अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में बताऊंगा। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, नंबर वन लाइन, नंबर टू शेप, नंबर थ्री टेक्सचर, नंबर फोर स्पेस, नंबर फाइव फॉर्म, नंबर सिक्स कलर, नंबर सेवन वैल्यू। नंबर वन लाइन, लाइन की डेफिनेशन ये है कि एक पॉइंट अगर मूव करता है तो लाइन प्रोड्यूस करता है, चाहे वो पेंसिल से हो, ब्रश से हो, पेन से हो, मार्कर से हो, जब भी कोई पॉइंट मूव करेगा तो लाइन प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा एक डेफिनेशन और भी है, वो ये कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को लाइन कहते हैं। तो लाइन के पास सिंपल डेफिनेशंस हैं, इसलिए ये याद रखना बहुत आसान है। और ड्राइंग का दारोमदार लाइन पर होता है, लाइन के बगैर आप ड्रॉ नहीं कर सकते। नेचर में लाइन एक अज्यूम की हुई चीज़ है, एक्चुअल में नेचर में आपको लाइन कहीं नज़र नहीं आएगी, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इसमें कहीं आपको प्रॉपर लाइन नज़र नहीं आएगी। हम अज्यूम करेंगे जैसे लीव का शेप ऐसा होता है, हम इसकी आउटर सरफेस को, जो कि बिल्कुल किनारे पे जो आउटर सरफेस के जो डॉट्स होते हैं, उस डॉट्स को हम एक कंटिन्यूसली हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और ये अज्यूम की भी चीज़ होगी, क्योंकि शेप जो है वो चेंज होता रहता है, कभी फ्लावर किसी एंगल से नज़र आएगा, कभी किसी एंगल से नज़र आएगा, लेकिन जब हम ड्रॉ करने जाएंगे फ्लावर को तो वो इसकी आउटर सरफेस को हम ड्रॉ करेंगे, जिससे फ्लावर आपको फील होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी लाइन की। अब इसके बाद मैं शेप पर आपको समझाता हूँ। शेप, अगर हम जायज़ा लें अपने अतराफ तो बहुत सारी शेप्स आपको नज़र आएंगे, जैसे टेबल है और बॉक्स है, फ्रिज है। अगर हम इसमें गौर करें तो हमें कुछ बेसिक शेप्स नज़र आएंगे, जो कि बुनियाद रखते हैं स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल पर। ये तीन बेसिक शेप हैं जिसकी बुनियाद पर बाकी शेप्स आपको डेवलप करते हैं और आपको नज़र आते हैं। जैसे अगर कोई बॉक्स बनाना है तो स्क्वायर जो आपकी शेप में है उसके थ्री लाइंस और आप लेंगे तो आपको एक क्यूब नज़र आएगा, ये बेसिक शेप है। अगर आपको चेयर बनानी है तो चेयर आप आसानी से बना सकते हैं इस बेसिक शेप के ज़रिए। इसका मतलब है कि ये जो बेसिक शेप्स हैं ये हमारी ये आर्ट के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं,
किसी भी स्केच करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए, इनके अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। तो शेप, बेसिक शेप आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप शेप, बहुत सारे शेप्स होते हैं जिसमें हेक्सागन, डायमंड शेप, पेंटागन, रेक्टेंगल और लातादा शेप्स, जिनकी ज़रूरत हमें आगे जाकर पड़ती है ड्राइंग करने में, लेकिन इन बेसिक शेप को समझना बहुत ज़रूरी है। इनके अलग अलग रूल्स हैं अपने।